मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, आज मैंने पजामा कुर्ता पहना है जो कि मेरे एरिया का लोकल पहनावा मतलब कह सकते हैं एक तरीके से। होटल में अपना स्टे था, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे स्वास्तिक करके, एंड ये अपनी गाड़ी खड़ी है और मैं रेडी हो गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ राम मंदिर दर्शन के लिए, आज इंडियन पहनावा पहना है बहुत लंबे टाइम के बाद में, तो श्री राम मंदिर पहुँचते हैं। क्लीनिंग वगैरह हो रही है और ये देखिए राम 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 राम, ई रिक्शा लेके मंदिर चलते क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी 11 बजने वाले हैं तो चाय बिना चाय पिए खाली पेट दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिए। इस्कॉन टेम्पल की तरफ से यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, पहले ही उतार देते हैं ऑटो को, आगे नहीं जाने देते हैं। ये देखिए अभी तक ऊपर से ब्रिज तैयार भी नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और ऊपर से ब्रिज शुरू भी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन आपको जाने नहीं देगा गाड़ियों को, तो स्पेशली जो गवर्नमेंट की गाड़ियां बस वही जाती है, आपकी गाड़ियों को वापस यहां से टर्न लेके जाना पड़ेगा। सेवाएं देखने को मिल जाएगी, चाय सेवा, खाने की सेवा, ये कोलकाता की तरफ से है। यहाँ भी भंडारा चल रहा है तो आपको जगह जगह भंडारे देखने को मिल जाएंगे। सूर्यवंशी राजा श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम आने की खुशी में अयोध्या नगरी का कोना कोना सजाया गया है। ये है श्री राम जन्मभूमि का मेन द्वार, और यहाँ देखो मीडिया वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, नॉर्मल श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, एंड इधर देखिए कितना सिक्योरिटी लगी हुई है। बहुत ही जबरदस्त डेकोरेशन की गई है श्री राम जन्मभूमि के लिए। सबसे बढ़िया बात है कि आप पैदल जाओ इस जगह को देखते हुए। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार से प्रवेश कर मंदिर की तरफ बढ़ा। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रामधुन में लीन झूम रही थी। मैं उदित डाल जो अभी पहुंचा हूँ श्री राम मंदिर अयोध्या में, बहुत ही शानदार माहौल है, बहुत ही गजब का माहौल है, बड़ी खुशी मिल रही है मेरे को यहाँ के, और ये देखिए लोग कैसे झूम रहे हैं रामधुन पे। यहाँ हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखी, मानो मैं त्रेता युग की झलक कलयुग में देख पा रहा था। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए दर्शनार्थी झूमते नजर आए। आ रही आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर से, और हम भी अंदर जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ लोकर रूम में महत्वपूर्ण सामान को जमा कर मंदिर पहुँचा। मंदिर दर्शन कर मैं धन्य हो गया। गाइस मंदिर के अंदर दर्शन करके आ चुका हूँ, एंड अंदर कैमरा जरा सा भी अलाउड नहीं है यार, एक सिंगल फोटो भी नहीं ले सकते, दूर दूर तक नहीं ले सकते। दर्शन तो बड़े आराम से हो गए, 5 मिनट में दर्शन हो गए। तो गाइस मैं थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ अगर हमें परमिशन ही मिल जाती है शूटिंग की, तो मैं मंदिर परिसर को आराम से आपको दिखा पाऊंगा। जैसे जैसे भोर से संध्या हो रही थी, श्रद्धालुओं की संख्या का क्रम बढ़ता जा रहा था। अयोध्या की पावन गलियों में घूमते हुए मेरे मुख पे खुशी थी। अभी ये जो पीछे के साइड में ये जो भजन चल रहा है, ये मेरे श्री गंगानगर के जगजीत सिंह का गाया हुआ है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, यहाँ नगरी में हर तरफ राम आने की खुशी महसूस की जा सकती थी। किल सवार मिले अपने को, ये भाई तो मेरे को केदारनाथ मिले थे और आज दोबारा मिलना हुआ भाई से, एंड ही इज फ्रॉम राजस्थान, एंड भाई साहब भी राजस्थान से, आप भी साइकिल से हो? अच्छा, बाकी भाई एक बार प्यार से जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। इसके पश्चात मैं चला अयोध्या में मौजूद हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने। मान्यता है कि यह जगह भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को रहने के लिए दी थी। ये भी मान्यता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान बजरंगबली के दर्शन करने चाहिए। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। भीड़ का हिस्सा बन मैंने भी पवन पुत्र के दर्शन किए। मंदिर के पास में ये एक टिक्की मिल रही है, तो टिक्की खाते हैं अंकल से, अयोध्या की टिक्की है। दही वही होगी, थोड़ी सी डाल दो, दही डाल दो सर। ये इस्कॉन की भागवत गीता है जो शायद मैं फ्यूचर में शुरू करूंगा, तो ये भैया से ली है। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा। एक दोस्त की कॉल आने पे लोकल व्यक्ति से लिफ्ट ले निकला दोस्त से मिलने के लिए। एग्जैक्टली क्या है, अपना उत्कर्ष भाई लखनऊ से ही बिलोंग करता है,
तो अभी घर आया हुआ था और इत्तेफाक से हम मिल गए हैं एक बार। दोस्त के साथ निकला फिर से अयोध्या नगरी घूमने। सबसे पहले मणि पर्वत पहुंचे। मान्यता है कि मणि पर्वत पे भगवान श्री राम माता सीता के साथ हरियाली तीज के दिन झूला करते थे। ये है मणि भगवान का मंदिर। तो अभी हम निकले हैं राम मंदिर में दोबारा से एक बार फिर से। अपना भाई आया है तो एक बार दोबारा जाते हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर की बनावट, कलाकृति, यहाँ की नक्काशी का तो जवाब नहीं। रामलला की मूर्ति कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ की सजावट के पश्चात ये जगह स्वर्ग का हिस्सा लग रही थी। मंदिर में मत्था टेक के आ चुके हैं। दो बार जाए आज के दिन में, अभी भाई के बदौलत, क्योंकि ये अभी आया तो इसके साथ एक बार फिर से मंदिर में जाके आए हैं। बड़ा अच्छा लगा। एवरीबडी लुक एट दिस, यहाँ से लाइन से अंदर जाया जाता है। ये है भगवान श्री राम का अयोध्या मंदिर, आप देख सकते हैं। अयोध्या के बीचों बीच स्थित ये दशरथ महल है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ का अस्तित्व भी इस स्थान से जुड़ा हुआ है। यहाँ श्री राम, लक्ष्मण व सीता की मूर्तियां लगी हुई है। यहाँ लंगर सेवा से भोजन लिया। ये एक मंदिर ले लिया मैंने, राम मंदिर अयोध्या। तो ये दो चीजें ली भाई हमने। बवाल चीज है, हम भी टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही टेस्टी यार। नाम है खुर्चन पेड़ा। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी राम की पूजा करने अयोध्या आए थे। इन्होंने यहाँ विशाल कनक भवन का निर्माण कराया था। आज के लोगों को सिर्फ जन्मभूमि पता है, कनक भवन क्या है ये पता नहीं। सर कनक भवन की थोड़ी विशेषता बताओ ना, कनक भवन के बारे में। हाँ, कनक भवन टीकमगढ़ के रानी साहिबा ने इसको बनवाया था। टीकमगढ़ की रानी साहिबा ने, अच्छा, इसका पुनरुद्धार करवाया था। हाँ हाँ। और ये माता कैकेयी ने सीता जी को मुँह दिखाई नहीं दिया। अच्छा, माता कैकेयी ने दिया था सीता जी को मुँह दिखाई में। ओके, ऐतिहासिक है लेकिन इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बहुत कम जानते हैं। किस चीज का भवन है, हाँ कैसा भवन है, जी जी जी, इसके बारे में कोई विशेषता बता नहीं। हमें सर ज्ञान तो इसके बारे में थोड़ा था लेकिन प्रॉपर ज्ञान नहीं था। आपने हमें इस बारे में बताया, हमें बड़ा अच्छा लगा। सीता जी ने, माता सीता जी को कैकेयी जी ने मुँह दिखाई नहीं दिया। ठीक है, शादी होके आए। जी जी जी। और सर हनुमानगढ़ी के बारे में थोड़ा बताइए ना। हनुमानगढ़ी के बारे में, जब हम यहाँ से राम जी बड़े परिवार के साथ अंतर ध्यान हुए थे गुप्तार घाट में। अच्छा, गुप्तार घाट में यही है वो। जी, यहाँ से 12 किलोमीटर, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर उन्होंने हनुमान जी को यहाँ का राजा बनाकर रखा था। उनको यहाँ का पूरा राजपाट सौंप दिया। अच्छा, हनुमान जी को सौंपा था। ठीक है। और ये कहा था कि जब हम कल की अवतार लेंगे तब हम आपको फिर से दर्शन। अच्छा, फिर से दर्शन, उसका एक ये महत्व। अच्छा जी, हनुमानगढ़ी का बहुत मंदिर है यहाँ पे अयोध्या में। वो उस तरफ गुरुद्वारा भी मौजूद है, देख सकते हैं आप। कितना ब्यूटीफुल सजा रखा है यार, कितना ब्यूटीफुल। ये देखिए, हर चीज जगमगा रही है। रात में तो इधर घूमने में अलग ही आनंद आ रहा है। रोड का नजारा। श्री राम जी की अयोध्या नगरी में मैं पहुंचा हुआ हूँ एंड कल रात आ गया था मैं।
लेकिन कल रात मैंने दर्शन नहीं किए, आज मैंने दो बार दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। एक बार से मेरा मन नहीं भरा तो मैं एक बार फिर से आया दर्शन करने के लिए। और अभी अयोध्या नगरी में मैं छोटी छोटी जो भी यहाँ के मंदिर है, जो भी गलियाँ हैं, उन सब जगह को देखते हुए आगे अभी इस एक जगह पे आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आके, बड़ा आनंदमय माहौल है यहाँ पे। मैं इतना धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन ऐसी जगह आके ना मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। धीरे धीरे मैंने गेटअप में पहले बिल्कुल इंडियन था, अभी मैंने राम लिखवाया, अभी मैं ये पहन के आया। मुझे लग रहा है मैं यहाँ रहा ना तो मैं कोई संत महात्मा ही बन जाऊंगा। बाकी बहुत अच्छा लगा आके, जय श्री राम। ये देखिए रामायण दिखाई जा रही है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ बैठ के आराम से रामायण देख रहे हैं, क्या बात है यार। यहाँ कंबोडियन रामायण प्रस्तुत की जा रही थी। मीठे का शौकीन है मेरी तरह, टेस्ट करके बताओ कैसी है, कैसी है ब्रो? मतलब बहुत बढ़िया है। भारतीय महान गायिका लता मंगेशकर की 93 जयंती के अवसर पर इस स्मारक का निर्माण कराया गया। स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये रेत से बनाई गई है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के समारोह के दौरान ये रेत से बनाई गई है। कितनी खूबसूरत है देखिए आप। राम की पौड़ी एंड जो दिवाली के टाइम पे दीपोत्सव होता है, जो दियों से सजाया जाता है, वो इसी जगह को सजाया जाता है। ये है नीचे सरयू नदी, जो आप देख सकते हैं, दिस इज सरयू रिवर, एंड यहीं इस जगह को सजाया जाता है बहुत अच्छे से। अभी काफी फोगी फोगी सा है तो मैं ज्यादा अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। एंड ये देखिए, ये सरयू का तट और ये इधर घाट बने हुए, कई सारे घाट है। अयोध्या की जगमगाहट देखते देखते कब रात्रि हो गई पता भी नहीं चला। आज का हमारा रूम डीलक्स रूम, बड़ा रूम, और ये अपना भाई साथ है। दो जने हो गए अब ट्रेवल में फिर से। पूरे दिन से आज यही गेटअप रखा मैंने, एंड बढ़िया से पूरे मंदिरों के दर्शन करके आए। अभी वैसे तो भूख नहीं है, लेकिन अगर कुछ खाएंगे तो आसपास से कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा अयोध्या का। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट, टिल देन लव लाइफ, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय श्री राम गाइस।